हमने अभी मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है, जो इस प्रकार है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं? प्रमेय 8.10, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए इस प्रमेय को समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु ई है और यदि हम भुजा बीसी के समांतर रेखा एल खींचते हैं तो एल भुजा एसी को समद्विभाजित करेगा, अर्थात एफ भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। आइए इसे गणितीय रूप से सिद्ध करते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी जहां ई एबी का मध्य बिंदु है और ईएफ बीसी के समांतर है और हमें सिद्ध करना है एफ भुजा एसी का मध्य बिंदु है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी होंगी। रचना: सी से होकर CM समांतर है AB खींचिए, EF को इतना बढ़ाइए कि यह CM को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करे। इस रचना के बाद हमें एक चतुर्भुज EBCD प्राप्त होता है। चतुर्भुज EBCD में ED समांतर है BC के, क्योंकि हमें EF समांतर है BC दिया गया है और रचना के द्वारा BE समांतर है CD के, तो क्या अब हम चतुर्भुज EBCD को एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? हाँ, चूंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं। चूंकि EBCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि EB बराबर है DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चूंकि हमें दिया गया है EB बराबर है EA के, इसलिए हम कह सकते हैं कि AE बराबर है CD के और इसे पहला समीकरण मानेंगे। अब हम त्रिभुज AEF को त्रिभुज DCF को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AEF और त्रिभुज DCF में कोण AFE बराबर है कोण CFD के, चूंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान दीजिए कि AE समांतर है DC के और ED एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण AEF बराबर है कोण CDF के, चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है, और AE बराबर है CD के, समीकरण एक से। तो हम कह सकते हैं कि AAS सर्वांगसमता नियम द्वारा त्रिभुज AEF सर्वांगसम है त्रिभुज DCF के, चूंकि त्रिभुज AEF सर्वांगसम है त्रिभुज DCF के, तो क्या हम कह सकते हैं AF बराबर है FC के? जी हाँ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि F भुजा AC का मध्य बिंदु है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।